तत्र हाँ ये कह रहे थे, ये प्रसंग चल रहा था कि डिथ डविथ जैसे कहते हैं कि वक्ता जैसे कह रहा है कि ड इथ इत्यादि कह करके आगे जो वर्ण अंतिम वर्ण है उसको संग्रहित करके एक अंतिम अक्षर को लेकर वक्ता के द्वारा कहा गया जो जिस अर्थ में उसको प्रतिपादन किया गया उस अर्थ का अवबोधन करता है। ये संज्ञा रूप जो है उसको वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश कहते हैं। जैसे घट के लिए कह दिया घट पट गा गौ, ये जो है संज्ञा रूप को हम वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश कहते हैं। इस प्रकार इन चारों में ही उपाधि का ग्रहण होता है, ऐसा व्याकरण गत आचार्यों का व व्याकरणों का ये कथन अभिप्राय है। इसीलिए भर्तृहरि कह रहे हैं, पतंजलि ने कहा है महाभाष्यकार ने, गौ शुक्ल चल डिथ इत्यादि चतुष्टयी शब्दानं प्रवृत्ति महाभाष्यकार। गौ माने गौ व्यक्ति या गौ गौत्व विसंबंधात गौ जाति विशिष्ट गौ, शुक्ल ला गुण चल ला क्रिया, डिथ माने द्रव्य, वही वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश। इस प्रकार चतुष्टयी शब्दों की प्रवृत्ति है ऐसे महावाष्यकार कहा है। ये कहने का, इसको प्रतिपादन करने का मम्मट का आशय है कि ये जो व्याकरण जो कह रहे हैं इनको ये समर्थन दे रहे हैं कि ऐसा पतंजलि जो है महावाष्यकार पतंजलि ने भी ये बात को कही है, इसका मतलब इनमें इनकी राजी है, इसका समर्थन है। फिर आगे प्रश्न उठता है, परमान्वादिनाम तु गुणमध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। लेकिन यह प्रश्न उठता है जो वैशेषिक दर्शन में परमाणु को क्या कहते हैं, न गुण मध्य में कहते हैं, जबकि परमाणु में परमाणु तो जाति विशिष्ट वो बात होनी चाहिए है, तो वहाँ गुण में क्यों कहा? बोले कोई बात नहीं, वो सामान्य रूप से वो जाति विशिष्ट होते हैं, परंतु अगर गुण मध्य में कह रहे हैं वो पारिभाषिक उनकी भाव में कह रहे हैं, गौण रूप में ले रहे हैं, उसको कोई हमें समस्या नहीं है, इसका जो मूल उद्देश्य वो नष्ट नहीं होता, गुण में लेने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि गुण क्रिया यदृच्छानं वस्तुतः एक रूपाणं अपि आश्रय भेदात भेदैव लक्ष्यते, यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकर तैलादि आलंबन भेदा। क्योंकि पारिभाषिक गुण रूप में क्यों लेते हैं, ये बोले गुण क्रिया और यदृच्छानं वस्तुतः एक रूपाणं अपि, ये एक रूप होते हैं। जैसे गुण है, हम सफेद कहेंगे, सफेद जो श्वेत गुण है, श्वेत गुण एक ही होता, लेकिन वो श्वेत गुण अलग अलग जाके अलग अलग हो जाता है। जैसे रूप है, ये रूप एक गुण है, हैं यही रूप है, जैसा है वो रूप आश्रय भेद से अलग अलग हो जाता है। कैसे? जैसे कि वो कह रहे हैं तथा एकस्य मुखस्य, एक ही मुंह है, उसका जो रूप है जैसा भी है, किसकी लंबा मुँह है, किसका चौड़ा मुँह है, किसकी आँखें ऐसी है, नाक ऐसी है, जैसा कि रूप देखा है जरा, लेकिन वही व्यक्ति वही उस मुंह को लेकर के जब किसी तलवार के सामने खड़ा हो जाता है उसका मुंह लंबा सा हो जाता है, और कभी मुकुर मिरर के सामने खड़ा हो जाता वो मिरर जैसा वर्तुलाकार में होता वर्तुलाकार में दिखाई, चौकोराकार में दिखाई देता, अगर अलग टाइप का हो यूं दिखाई देता यूं दिखाई देता, तो और तेल में दिखेगा तेल में वो अधूर टाइप का दिखेगा और पानी में अलग तरह दिखेगा। इसलिए आलंबन आश्रय भेद से वो जो है गुण क्रिया और वस्तु आदि का क्या होता अलग अलग दिखाई देते, लेकिन है एक चीज, वो गुण है वही गुण, वो जो रूप है रूप जैसा है वैसा ही है, लेकिन आश्रय से कारण अलग अलग हो जाता है, इसमें किसी प्रकार कोई हमें समस्या नहीं है, ये समझना चाहिए, कोई विशेष बात नहीं है। आगे यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो जाति जो है और उसको लेकर यहाँ बड़ा प्रश्न उठता है, यह मीमांसा दर्शन और वो जो कहता है वो क्या कहता है जाति को लेकर के ना, वो कहता है हिमा पय संकाद्य आश्रयेशु परमार्थतः भिन्नेशु शुक्लादिशु यद्वशेन शुक्ल शुक्ल इत्यादि अभिन्ना विधान प्रत्योपत्ति तत्शुक्लत्वादि सामान्यम गुड़ तंडुलादि पाकादिषु एवं पाकत्वादि बालवृद्ध सुखादि उद्धृतेषु डित्तादि शब्देषु च प्रतिक्षणम विद्यमानेषु डित्तादि अर्थेषु वा डित्तत्वादि अस्ति इति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम् इति अन्यः। क्योंकि पहले कहा था संकेत गृहते जातो जात्यादौ जातिरेव वा, ये कहा था जात्यादौ जाति आदि माने जाति
गुण क्रिया द्रव्य, ये जो चार प्रकार के जो उपाधि है व्यक्ति के, उन उपाधि में संकेत ग्रहण होता है, ऐसे व्याकरण कहते हैं। इसका विवेचन अभी तक कर दिया, लेकिन वहां एक रह गया जाति रे बाबा। मीमांसा दर्शन के आचार्य कहते हैं नहीं, जाति में ही संकेत ग्रहण होता है। ये कह रहे हैं ये जो चार तत्व है ना, जाति गुण क्रिया द्रव्य, ऐसे चारों में होने की जरूरत नहीं, केवल जाति में ही होता तो हो जाता है। माने गुण क्रिया द्रव्य को वो जाति में अंतर्हित कर लेते हैं, अंतर्भुक्त कर लेते, समाहित कर लेते, उसको अलग से जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, ऐसे मीमांसा दर्शन के आचार्यों का अभिप्राय कथन है। उसको समझा रहे हैं, बोले कैसे न हिम, हिम माने बर्फ, पय पय यानी दूध, शंख यानी शंख, शंख बजाते हैं, ये सारे सफेद है कि नहीं, सारे सफेद हैं। बोले ये सारे आश्रय हैं, हिम में भी सफेदी है, श्वेतता है, श्वेतिमा है, और पय में भी है, दूध में और शंख में भी है। परमार्थ तभिन्न शुक्लादिशु, बोले परमार्थ से यद्यपि शुक्ल अलग अलग है, परमार्थ में अलग अलग मतलब थोड़ा सा संघ का अलग, श्वेत भी अलग अलग, जैसे अभास्त्र भास्त्र शुक्ल अभास्त्र शुक्ल आपने पढ़ा होगा तर्क संग्रह में, जैसे अग्नि में भी शुक्लत्व होता लेकिन भास्त्र शुक्लत्व, और पानी में जो शुक्लत्व होता जल में जो होता अभास्त्र शुक्लत्व, ये जो है उसको परमार्थ भिन्न हो सकते हैं, परंतु होने पर भी यद्वय से न, जिसके कारण ही, कौन सा कारण है, शुक्लत्व कारण से ही शुक्ल है, शुक्लत्व तो है ना सभी में, चाहे पानी में शुक्लत्व शुक्लत्व वाला शुक्ल हो, चाहे पानी में जो दूध में हो, चाहे शंख में हो, ये सारे जो शुक्ल है ये शुक्ल क्यों कहलाते, शुक्लत्व की वजह से कहला रहे हैं भाई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्रीत्व की वजह से स्त्री कहला सकता है, पुरुष तो पुरुषत्व के पुरुष कहला सर कहला सकता है, परंतु पुरुष और स्त्री सभी मनुष्य तो कहलाते हैं ना, क्यों मनुष्य कहलाते हैं ना, मनुष्य तो पुरुष में भी है स्त्री में भी है, तो इसीलिए वो एक ही बने ना, तो इस प्रकार वो जो मनुष्यत्व रूपी जाति की वजह से पुरुष भी मनुष्य है, स्त्री भी मनुष्य है, बाल भी मनुष्य है, वृद्ध भी मनुष्य है, वनिता भी मनुष्य है, सब मनुष्य है, इसीलिए न मनुष्यत्व रूप जाति की वजह से, इसीलिए अलग से आपको गुण कहने की, गुण के उपाधि ग्रहण करने, गुण नामक उपाधि में संकेत ग्रहण की आवश्यकता क्या है, ये कहने का आशय है। और क्योंकि इत्यादि अभिन्न विधान प्रत्युत्पत्ति, ये बिल्कुल अभिन्न अभिधान, अभिन्न होने की जो ज्ञान की प्रतीति हो रही है, इसलिए शुक्लत्व आदि जाति की वजह से, सामान्य की वजह से। इसी प्रकार गुड़ तुंडुला आदि पाक आदि से, वो हम कह रहे गुड़ पक रहा है, चावल पक रहा है, खीर पक रही है, भाई पकने की क्रिया तो हो रही ना, तो गुड़ पके चाहे चावल पके कुछ भी हो, ये जो पाकत्व जाति की वजह से पाक क्रिया हो रही है, तो क्रिया तो उसी जाति में, जाति के वहाँ भी जाति आ गई ना, इसलिए वो जाति विशिष्ट है, जाति में ग्रहण करो, आप अलग से क्रिया में संकेत ग्रहण करना ऐसा क्यों करो, जरूरत ही नहीं, ये मीमांसा दर्शन का कहने का आशय है, इनका नहीं है, व्याकरणों का नहीं है। और इसी प्रकार द्रव्यों में ग्रहण करने की जरूरत नहीं, क्यों ना, वक्तृ यदृशा सन्निवेश जरूरत नहीं है, जैसे बालक हो चाहे वृद्ध को चाहे सुख को हो, सुख माने तोता इत्यादि उदृतेषु दित्थादि शब्देषु, दित्थ आदि शब्दों में प्रतिक्षणम हर समय में विद्यमानेषु अलग अलग होने पर भी, दित्थादि अर्थेषु दित्थादि अर्थ अलग अलग होने पर भी, दित्थत्वादि दित्थत्वादि अस्ति इति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति, लेकिन दित्थत्व माने द्रव्यत्व या वक्तृजदृच्छा सन्निवेशत्व, वक्तृजदृच्छा सन्निवेशत्व, ये जो वक्तृजदृच्छा सन्निवेशत्व रूपा तदस्तापि जातिरेव न तु तत्र भिन्नं किमपि वस्तुरूपं वक्तृजदृच्छा सन्निवेश रूपं, यथदर्थं वक्तृजदृच्छा सन्निवेशत्व से भी आवश्यकता नास्ति, यथदर्थं तत्र मीमांसा दर्शनकाराः कथयति वा मीमांसकाः कथयन्ति तत्र न गुणे तत्र संकेत ग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते न च क्रियायां न तो वक्तृजदृच्छा सन्निवेशे अपि तु जातौ एव संकेत ग्रहणेन कार्यं सिद्ध्यति वा कार्यं सिद्ध्यति इति जातौ एव संकेत ग्रहण कार्यः इति मीमांसकानां लक्ष्यं प्रतिपाद्यम्। परंतु एक तत्र निमेषद्वयं स्वीकरोमि ततः परं विरमामि यतो हि तत्र समय अस्ति निमेषद्वयं तत्र न्यायदर्शन आयाति विपद्ये न्यायदर्शन कथयति जाति विशिष्ट एव
अर्थः। परंतु तत्र बौद्ध दर्शनकारा कथयन्ति नहीं जाति इति एवं न कथनीयम्, जाति विशिष्ट अर्थ न कथनीयम्, अपितु अपोह अतत् व्यावृति इति कथनीयम्, एतत् विमर्शनं क्रियते। अत्र आचार्य मम्मटः संक्षेपणे प्रतिपादयति, आचार्य मम्मटः संक्षेप प्रतिपादन कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय का प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक है, और दूसरा उनको डर है कहीं काव्य प्रकाश बड़ा न हो जाए, इसलिए टच करके वो चले जाते हैं। थोड़ा सा प्रसंग बसत आ गया इसलिए उसको ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा विवेचन नहीं कर रहे हैं। फिर हम उस बात को आपको यहाँ विवेचन कर लेते हैं थोड़ा सा उन्हीं के न्याय से। मतलब तदवान अपोह बा शब्दार्थ कश्चित उक्त, कश्चित शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कश्चित नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं लेने का मतलब है आचार्य मम्मट इन दोनों के इस अभिप्राय को क्या कर रहे हैं, इनके मत को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, इन पर ज़्यादा गुरुत्व तो नहीं दे रहे हैं, ये इनका लक्ष्य नहीं है, प्रतिपाद्य नहीं है, केवल प्रसंग में आ गया इसीलिए उसको बता रहे हैं। जैसे हम कभी चलते हैं प्रसंग बसर कोई बात आ जाती थोड़ी सी टच करके आगे बढ़ जाते, नहीं रहने दो हमें हमारा मुख्य धारा में चलना। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति न्यायेन, समझ में आ गया, लक्ष्य उसका गांव में जाना, तृण को स्पर्श नहीं करना है, आपने पढ़ा होगा कर्म कारक में, कारक प्रकरण में, तो उसी न्याय से। तो यहाँ उनका जो लक्ष्य काव्य शास्त्र संबंधी तत्वों को विवेचन करना, न्याय तत्व को उनको विवेचन नहीं करना, अगर उसको विवेचन करेंगे तो ग्रंथ बड़ा हो जाएगा। इसलिए कश्चित उक्त, कुछ आचार्यों ने कहा ग्रंथों को हो रो भैया ग्रंथ बड़ा नहीं हो जाए, और प्रकृत अनुपयोग अनुपयोगाच प्रकृत प्रासंगिक विषय की अनावश्यकता है, आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको हम न दर्शितम ज़्यादा नहीं बताया हमने। तो क्या है ये अपोह क्या है और तद्वान क्या है, कई मीमांसा न्याय दर्शन के अनुसार क्या कहते हैं, तद्वान माने जाति विशिष्टवान व्यक्ति, जाति विशिष्ट व्यक्ति ऐसे कह रहे हो, जाति विशिष्ट व्यक्ति कर, जाति विशिष्ट व्यक्ति को ग्रहण करना इस प्रकार अर्थ में ले रहे हैं। परंतु ये बौद्ध दर्शन के आचार्य कहते हैं जाति विशिष्ट व्यक्ति क्या होता है, जाति वाति कुछ नहीं है, आप जो अर्थ के लिए कह रहे हैं, वो जो अर्थ है ना संकेत ग्रहण, संकेत ग्रहण में जो ये संकेत ग्रहण होता है व्याकरण आचार्य कह रहे हैं, व्याकरण क्या कह रहे हैं ना, जाति में गुण में क्रिया में वक्तृ जदृच्छा सन्निवेश में है, तो ये जो बात कह रहे हैं वहाँ बीमा न्याय दर्शन के आचार्य कहते हैं नहीं, जाति विशिष्ट अर्थ में ही संकेत ग्रहण होता है ऐसे कहना चाहिए, ठीक है, केवल जाति में, जाति विशिष्ट अर्थ, केवल जाति नहीं जाति विशिष्ट अर्थ जो उसमें संकेत ग्रहण होता है। परंतु वहीं बौद्ध दर्शन के आचार्य कहते हैं नहीं, ये जाति विशिष्ट अर्थ कुछ नहीं होता, अपोह होता है। अपोह मतलब अपह अपोह, वह माने क्या होता है, तर्क, वह अपोह आपने एक शब्द सुना वह अपोह, वह माने तर्क, अपोह माने तर्क का हुआ, ये फालतू तर्क नहीं करे, तर्क का विषय नहीं है ये, कोई तर्क नहीं करा, ये कह दिया घट है तो घट है, पट है तो पट है, इसको अतत व्यापृति भी कहते हैं, न तत व्यापृति अतत व्यापृति, माने वो उसमें नहीं है, घट में पट नहीं है, पट में पट नहीं घट नहीं है, पट में पटत्व है घटत्व नहीं है, घट में घटत्व है पटत्व नहीं है, इस प्रकार अतत व्यापृति या इसको हम कहेंगे अपोह, माने वह का अभाव, यहाँ कोई विपरीत व एक कोई तर्क वितर्क का अभाव है, ऐसा बौद्ध दर्शन कहने वाले आचार्य कहते हैं। परंतु ये हमारा प्रतिपाद्य नहीं है, ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार आचार्य मम्मटी इस बात को कह करके आगे बढ़ जाए।